लगी तो नहीं आपको? लगी तो नहीं। एक तो मेरी स्कूटी ठोक दी, ऊपर से मुझसे पूछ रहे लगी तो नहीं। देखो मैडम, लिमिट में रह के बात करो। एक तो गलती भी खुद की है और ऊपर से थप्पड़ भी मार रहे हो। मेरी गलती है? तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पे लाता क्यों है? ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। मैडम जो नुकसान हुआ भर दूंगा। एक तो गलती भी करते हो, जो राइट साइड का इंडिकेटर देके लेफ्ट में टर्न कर रहे हो और ऊपर से थप्पड़ भी मार रहे हो। ये पैसों की अकड़ ना किसी और को दिखाइयो, तुझे से 1000 खरीदूंगी मैं। अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब कुछ भी कहते जाओगे। लिमिट में रहेगी बात करो। हाँ भाई, ज्यादा मत बनने का शौक है, डर की बात उठाएगा तू? और गाड़ी लेके बाइक स्कूटी वाले को कुछ समझता नहीं है? अगर कुछ ना पता हो ना तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। अकड़ देखो इसकी, रुक अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जिसको फोन करना करो। अबे ओ, भाग का रहा है। मैंने पहले भी बोला अगर मैंने जवाब दिया ना भारी पड़ जाएगा। तू क्या जवाब देगा? तुझे जवाब हम देंगे। किसने की थी कंप्लेंट? सर मैंने। कड़े बुरा। हाँ भाई सर, पहले पता तो कर लो गलती किसकी है। वो तो थाने जाके जब रिमांड होगा ना, जब तेरा पटेगा गलती किसकी है, चोरी पर हाथ उठाऊंगा। आजा बनाते तुझे मर दम। किसी ने कंप्लेंट की और आपने मुझे मुजरिम मान लिया। कानून मस्ती का, चुपचाप चल। हमें दिल्ली की दबंग, धाकड़, शेरनी और पता नहीं क्या क्या नाम से बुला रहे हैं लोग इन्हें, तो मिलिए मिस कनिका जी से। कनिका जी, आप लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है, तो क्या मैसेज देना चाहती है आप लड़कियों को? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ और उसे मुंह तोड़ जवाब दो। हम आज की लड़कियां हैं, हम ना किसी से डरेंगी ना दबेंगी। तो देखा आपने कितना आत्मविश्वास भरा इस लड़की में। हमें नीड है ऐसी और भी लड़कियों की जो गलत करने वाले से डरे नहीं बल्कि उन्हें सबक सिखाए। थैंक यू। कटोगे ये रिलीज कब होगा? शाम को 5 बजे हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसों के घर में तो इनकी बेटियां भी सेफ नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। साले लोग आजकल अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जब मर्दों पे हाथ नहीं उठता तो लड़कियों पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। मैं सुसाइड नहीं कर सकता, और सुसाइड किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तो नहीं। मुझे अपने आप को सही और उस लड़की को गलत साबित करना पड़ेगा। कनिका छिपकली, तुझे कितनी बार बोला कि मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया कर, दिल कमजोर है यार मेरा। मुझे पता है तेरा दिल कमजोर है, इसलिए मैं एक बात सोच के बहुत परेशान हूँ कि जो लड़की छिपकली से डरती है उसने रोड पे उस बंदे को कैसे पीट दिया। सच सच बता, हुआ क्या था? देख, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि गलती उसी की है, पर जब पुलिस के जाने के बाद मैंने स्कूटी ऑन की
तो मुझे पता चला कि मैंने ही गलत इंडिकेटर दे रखा था और तब तक लोग वीडियो बना चुके थे, तो मुझे लगा कि अब अगर मैंने कुछ बोला या अपनी गलती मान ली तो ये लोग मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बदनामी छुपा के इसको बदनाम कर दूं और अपना नाम बना दूं। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। पर इससे तो उस लड़के की लाइफ खराब होगी ना। अरे पर मेरी तो बन गई ना, मुझे और उसे क्या लेना देना। देख अपना फंडा तो सिंपल है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यार कनिका वैसे इतना सेल्फिश होना भी ठीक नहीं है। यार अगर सेल्फिश नहीं होंगी तो आगे बढ़ूंगी कैसे, और तू दोस्त है दोस्त की तरह रहे, ये बात किसी को बताइयो मत, ठीक है? चल ठीक है मैं चलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सर आप इसके साथ क्या कर रहे हो? आप अंदर चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। जी सर बताइए क्या बात करनी है। इनके पास सबूत है कि तुमने इन्हें झूठे केस में फंसाया है। सबूत? कौन से सबूत? किसने दिए इन्हें सबूत? मैंने। तुमने? देख स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि गलती उसी की है, पर जब पुलिस के जाने के बाद मैंने स्कूटी ऑन की तो मुझे पता चला कि मैंने ही गलत इंडिकेटर दे रखा था और तब तक लोग वीडियो बना चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब अगर मैंने कुछ बोला या अपनी गलती मान ली तो ये लोग मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम करेंगे। मैं पता है ये कौन है? ये मेरे बॉस है, और मैं इनका साथ इसलिए नहीं दे रहा कि ये मेरे बॉस है, मैं इनका साथ इसलिए दे रहा हूँ कि ये सही है और तू गलत है। बेशक तू मेरी दोस्त है लेकिन मैं किसी और की लाइफ बर्बाद होती हुई नहीं देख सकता। सर ये रहे वो सबूत जिसमें खुद एक्सेप्ट करिए कि ये गलत है। लेके चलो इसको। रुक जाइए, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, पर अब मैं इसे जेल भेज के इसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहता। तुम लड़कियों को आना सिर्फ एक मिनट लगती है हम लड़कों पे गलत इल्जाम लगाने के लिए, और हम लड़कों को कई सालों लग जाते हैं उसे सही साबित करने के लिए, और कई बार तो गलत ना होते हुए भी पूरी सजा भुगतनी पड़ती है। और पता नहीं कितने हजारों लड़के आज भी सजा भुगत रहे हैं गलत ना होते हुए भी। I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, चाहे उसके लिए सामने वाले की उसकी जिंदगी खराब करनी पड़े। अरे तुम्हें फेम की भूख है, लेकिन तुम्हारी फेम की भूख किसी की जान भी ले सकती है। मेरे साथ तो तुमने कर दिया है, लेकिन किसी और के साथ मत करना। लोग कहते हैं कि आज के टाइम में लड़कियां सेफ नहीं है, मानता हूं, लेकिन लड़के भी कहां सेफ है। लड़कियों की एक मिनट लगती है इल्जाम लगाने के लिए, और लड़कों को उसे गलत साबित करने के लिए सालों लग जाते हैं, और कई बार तो पूरी सजा भुगतनी पड़ती है गलत ना होते हुए भी। तो लो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसको भी इस पर रियल टी बेस्ड कंटेंट आते रहेंगे, जैसा आपने दूसरे चैनल को सपोर्ट किया था इसको भी करो। धन्यवाद।